हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाकर जरूर से जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि डी ब्रोगली इक्वेशन का मतलब क्या है, क्यों इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का माइंड मैप भी, बाकी चैप्टर्स के भी, चाहे चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके माइंड मैप और सबके जो वन शॉट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चल ही रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग। कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, उसकी हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वेलोसिटी उसकी है 2.05 × 10⁻¹ पर सेकंड वेलोसिटी दी है। तो हमें निकालना है लैम्डा, यानी लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा के आगे क्वेश्चन मार्क, क्या दिया है? वेलोसिटी दी है कितनी? 2.05 × 10⁻¹ सेकंड। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है और वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, तो हमें एक इक्वेशन पता है। क्या इक्वेशन पता है? डी ब्रोगली इक्वेशन पता है। क्या इक्वेशन होती है? डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी एक वैल्यू फिक्स्ड होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या वैल्यू होती है? 6.626 × 10⁻¹ जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है। एम क्या होता है? मास होता है इसका, किसी भी पार्टिकल का जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो मास ऑफ पार्टिकल हो जाता है। ये क्या होती है? वेलोसिटी, एंड किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है कोई पार्टिकल। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है किसका? उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हो गया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास भैया मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। वेलोसिटी हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो किसका इंतजार है? फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। एच क्या है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड डिवाइडेड बाय, नीचे मास है, मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 2.05 × 10⁻⁷, 2.05 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो लैम्डा यहां से आ जाएगा, किसके अंदर आता है? मीटर के अंदर आता है। तो इसे सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 2.05, ये आएगा 0.3552 इंटू 10⁻³ में माइनस के 34, नीचे का माइनस का 31, ऊपर जाकर प्लस का 31, प्लस 31, 7 ऊपर जाकर माइनस। तो कितना हो गया ये? 0.3552 × 10⁻³⁴ प्लस के 31 माइनस के 7, यानी 10⁻¹⁰। तो कितना हो गया? 0.3552। क्या एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा? क्यों एंगस्ट्रॉम लिख दिया मैंने? क्योंकि हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻¹⁰ मीटर होता है। यानी कितना आ गया? 0.3552 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, 0.3552 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का मास दिया है कितना? 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। और क्या दे रहा है? यदि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो,
क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गिवन है आपको 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 25 जूल। ठीक है, आगे कह रहा है आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा आपको बताना है। ठीक है, अब डी ब्रोगली इक्वेशन में हम एक इक्वेशन जानते हैं, क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है और यहां पर हमें चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो सोचो कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। आपको ध्यान आएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से यदि हम v फाइंड करें, क्या फाइंड करें, v, तो कितना हो जाएगा, दो इधर जाएगा डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v क्या आ गया, 2ke बाय m का रूट, यानी वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस वेलोसिटी को यदि मैं इसके अंदर रख दूं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन m इंटू वेलोसिटी इसके अंदर रखेंगे 2mke बाय एम। अब एच बाय, क्या मैं एम को ऐसे नहीं लिख सकता, रूट एम इंटू रूट एम, जैसे टू होता है तो वैसे ऐसे नहीं लिख सकते, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, आता तो टू ही है, तो उसी तरीके से एम इंटू एम इज इक्वल टू एम इन रूट इंटू एम रूट लिख सकते हैं। तो लिख दो यहां पे एम रूट इंटू 2mke बाय, यहाँ पे हम नहीं आएगा, टू के ई बाय एम रूट, अलग अलग कर लिया रूट, एक रूट से एक रूट कट गया। तो आगे करेंगे तो लैम्डा क्या आ गया, एच अपॉन 2mke। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच कितना होगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 2। एम कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 25। ये सब क्या है, रूट के अंदर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 26 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 इंटू 10 की पावर माइनस के 25। ये क्या है, रूट में। तो लैम्डा क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, इसे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 9.1 कितना आएगा, 54.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 और माइनस के 25, ऐसे करके ऐड कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 56 हो जाएगा। अब 10 की पावर माइनस 56 का रूट देखना है, क्या देखना है, रूट। क्या मैं इसको अंदर ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की पावर -28 इंटू 10 की पावर -28 रूट, तो 10 की पावर -28 आ जाएगा रूट जब हटाओगे तो। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस के 28 आ जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 54.6 का रूट इंटू 10 की पावर माइनस के 28। ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इतना लैम्डा आ गया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बस सोल्व कहां पे करें, जगह ही खत्म हो गई, चलो यहां पे करते हैं। ठीक है, यहां पे सोल्व करते हैं अब इसके बाद। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाय, रूट करोगे 54.6 का, रूट 54.6 तो क्या आएगा, 7.39 इंटू 10 की पावर माइनस के 28।
अब इसे डिवाइड कर दो बस इसे, 6.626 डिवाइडेड बाय 7.39, यह आएगा 0.89 इंटू 10 की पावर में माइनस के 34, माइनस के 28 ऊपर जाकर प्लस के 28, 0.89 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अगर इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई मैंने खुद से कर दिया ताकि ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 890 नैनोमीटर, कितना आ जाएगा, 890 2, 3, 5 0.89 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 3, 89 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, हाँ इतना आ जाएगा, इतना नैनोमीटर, क्लियर है। आठ सौ नब्बे नैनोमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा, चले आगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी दी हो हमें, हम वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक नया फॉर्मूला बना लेंगे ये इस तरीके से, फिर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, फिर क्या करना है, सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। ड्यूअल बिहेवियर किसी भी मैटर का, यानी जो कोई भी मैटर होगा वो एज अ लाइट भी बिहेव करेगा, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा, ठीक है, यानी वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों होती है उसके अंदर, ठीक है। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफन यूज फॉर हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, यानी जो डी ब्रोगली ने बताया था उसकी मदद से जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना सकते हैं जिससे हम बायो मॉलिक्यूल्स यानी जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, इनको हम ऑब्जर्व कर सकें, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि यदि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी है, यानी आपके पास वेलोसिटी दे दी 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो, क्या बता दो, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो जो एसोसिएटेड हो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी आपको लैम्डा बताना है, सिंपल लैम्डा आपको बताना है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, किसकी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की, तो मास भी किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब क्या करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी लगाओ, उसके अंदर सब कुछ वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच क्या होता है 6.626 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी है 1.6 × 10⁶। चलो अब इसे सॉल्व करो, 6.626 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये किस पे गया, ये गया 4.14 पे। अब 4.14 को डिवाइड करो, 4.14 डिवाइडेड बाय 9.1, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.455 इंटू 10 की पावर में माइनस के 34, नीचे वाला प्लस में गया तो प्लस के 31, प्लस में है प्लस 6 तो ऊपर जाकर माइनस में यानी माइनस 6, तो कितना हो गया 0.455 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और माइनस के 6 यानी माइनस के 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 9 आ जाएगा, तो क्या हो गया 0.455 नैनोमीटर हो गया, क्या आ गया, ये वेवलेंथ आ गई, यानी आंसर हो गया आपका ये 0.455 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। क्लियर है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा वेवलेंथ इतनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी दी है बोर्स के पहले ऑर्बिट के अंदर, यानी हमें सिंपल वेलोसिटी दी है,
2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो जो इसके साथ एसोसिएटेड होगी, यानी लैम्डा फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो मास क्या होगा 9.20 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबके सब एक जैसे हैं, वेलोसिटी आपको देगा, लैम्डा आपसे पूछेगा, मास आपके पास जनरली इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करते हैं वो, ठीक है, वो आपको मास पता ही होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच कितना है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2.19 इंटू 10 की पावर 6, इसको करो सॉल्व 6.626 डिवाइडेड बाय 2.19, तो इसे इससे काटोगे तो आएगा 3.02। अब 3.02 को जब डिवाइड करोगे 9.1 से तो आएगा 0.332 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये ऊपर जाकर प्लस के 31, ये ऊपर जाकर माइनस के 6, तो कितना आ गया 0.332 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 माइनस के 9 मीटर, तो कितना हो गया 0.332 नैनोमीटर। ये क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई, क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई, सिंपल, क्लियर है। इस तरीके से हम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी आपको हर बार दे रहा है, मास आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का, ये तो पार्टिकल भी चेंज नहीं कर रहा, मतलब पार्टिकल भी सेम ही दे रहा है हर बार। चलो आगे, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना प्रोटॉन के साथ कह रहा है कि वेलोसिटी प्रोटॉन के साथ एसोसिएट हो रही है इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, यानी मान लो 1000 वोल्ट का कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए तो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितनी 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉकी बॉल, यदि हॉकी बॉल है इतने मास की, कितना 0.1 किलोग्राम, इसी वेलोसिटी से मूव कर दिए, यानी कोई हॉकी की बॉल है, गेंद है, वो भी इतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रही है जितनी वेलोसिटी से एक प्रोटॉन मूव करता है, यदि हम 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, यानी कितनी वेलोसिटी है 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें वेवलेंथ बतानी है जो इस वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होगी, यानी आपके पास मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आपको लैम्डा बताना है। अब इससे रिलेटेड हमें एक इक्वेशन पता होती है, क्या इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो रख दो सब कुछ वैल्यू यहाँ पे, एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास 0.1 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी कितनी है 4.37 इनटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा, सॉल्व करते हैं 6.626 डिवाइडेड बाय 4.37, तो इसे इससे काटोगे तो आएगा 1.52, ठीक है, अब 1.52 को जब डिवाइड करोगे 0.1 से तो ये आता है 15.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, यहाँ पर ये प्लस का है ऊपर जाकर माइनस का, तो कितना हो गया 15.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 39 मीटर, तो इतनी आ गई ये वेवलेंथ, क्या आ गई, इतनी बड़ी वेवलेंथ आ जाएगी, क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड, इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड यानी वेलोसिटी क्या है सेम है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, वेलोसिटी सेम है, किस किस की सेम है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बराबर है अल्फा पार्टिकल के, बराबर है न्यूट्रॉन के, बराबर है प्रोटॉन के, क्लियर है, ये बात हमें पता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ये सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ऑप्शन के अंदर चार चीजें दे रखी हैं, तो इन चारों चीजों की तो बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, यानी सबकी वेलोसिटी सेम है, तो हमें बतानी है सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी,
अब ये ध्यान करो कि यदि हमारे पास स्पीड दे रखी है और हमें वेवलेंथ बतानी है तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, बिल्कुल सही है। एच क्या है? कॉन्स्टेंट है, चलो बहुत बढ़िया। वेलोसिटी क्या है? ये भी कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? मास के। यानी अब जिस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। अब मास सबसे ज्यादा किसका होगा ये हम देखते हैं बस। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? दुगुना, चार गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है चार गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो दुगुना है चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये कभी भी यूज हो सकता है इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी। चलो, तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, उससे कम किसका होगा? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का होगा क्योंकि न्यूट्रॉन 5 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 2 है तो न्यूट्रॉन का होगा। फिर किसका होगा? प्रोटॉन का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे छोटी वेवलेंथ उसकी होगी इसका मास सबसे ज्यादा, मास बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी, तो वेवलेंथ सबसे छोटी किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की हो जाएगी, यानी लैम्डा जो है अल्फा का सबसे छोटा, फिर न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। तो सबसे छोटा अल्फा पार्टिकल का होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल एक रिलेशन निकाला हमने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेलोसिटी यहां पर कॉन्स्टेंट है, तो मास किसका कैसे वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, यानी वो पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाती है। फिर भी अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, क्रिकेट बॉल है उसका मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, डज नॉट मूव लाइक अ वेव, यानी वो वेव की तरह मूव नहीं करती जब उसे थ्रो करते हैं बॉलर के द्वारा बाय स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, यानी जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉलर फेंके तो 100 ग्राम की बॉल जो है वो वेव की तरह हमें दिखती नहीं, वेव नहीं दिखती उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो वेवलेंथ निकालो इस बॉल की और एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वेवलेंथ निकालो और एक्सप्लेन करो। तो हमें वेवलेंथ बतानी है, मास वेलोसिटी गिवन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगाना है। लेकिन उससे पहले ही नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट में तो लिया हो, मास जो है ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 0.1 किलोग्राम हो गया। वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में लाना है, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं डिवाइडेड बाय आवर। अब एक आवर में 60 मिनट होती है और हर एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो कितना हो गया 3600 सेकंड हो गई। क्या हो गई? 3600 सेकंड हो गई। तो 3600 सेकंड से इसे डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये आ गया 10³³/36 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। क्लियर है? अब इसे हम रख देंगे लैम्डा वाली इक्वेशन के अंदर। चलो रखते हैं यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू एच क्या है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 10³³/36 मीटर पर सेकंड। लैम्डा निकालो यहां से सोल्व करके, 6.6 डिवाइडेड बाय 0.1
डिवाइडेड बाय, ये करोगे तो आएगा 66 आता है, ये 36 जाके ऊपर तो मल्टीप्लाई में, यानी 66 इंटू 36 कितना हो गया, 2376 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस के 34, नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस, तो कितना हो गया 2376 इंटू 10 की पावर माइनस के 37 मीटर। अब यहां से तीन डेसिमल हटाओगे तो इंटू 10 की पावर माइनस के 34 मीटर, यानी इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है इसके लिए। अब यदि ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो मुझे बता दो ये कहां से वेव दिख जाएगी तुम्हें, 10 की पावर माइनस 34 मीटर, यानी वेवलेंथ बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तो हमें इसलिए ऑब्जर्व नहीं होती क्योंकि इसकी वेवलेंथ सो लेस है, तो लैम्डा इज सो सो लेस, तो वी कांट ऑब्जर्व दैट, वी कांट ऑब्जर्व दैट, इस वजह से ये हमें नहीं दिखती है। तो इसका कारण ये है कि लैम्डा जो है बहुत ही छोटा आया है, इस वजह से हम उसे देख नहीं सकते। क्लियर है बेटा? चलो तो यहां तक था हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन के, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो आपको एक ही लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और कहीं पर यदि काइनेटिक एनर्जी दे दे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2mke। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और यदि आपने इसका वन शॉट और माइंड मैप नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर से जरूर देखें, बाकी चैप्टर्स के भी अपलोडेड हैं उनको भी जाकर देखें ताकि आपको सारे चैप्टर्स में अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ठीक है बेटा, बाय बाय।